क्वेश्चन रीड कर लो, ये ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है। फिगर बना लेते हैं पहले, और सबसे पहले दो पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। पहला पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। ये ए कह दो, इसे बी कह दो, ठीक है। 2 kg का है और 4 kg का है, 2 kg 4 kg। ये M1 कह दो, इसे इसे M2 कह दो, ठीक है। और के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कह रहा है, एज्यूम करो डी, डी की वैल्यू 1 meter, ठीक है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, ऑब्वियस बात है मास है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, और फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, F12। ये इंटरनल फोर्सेज हैं, इनकी वैल्यू gm1m2/d² होगी। अब ये इंटरनल फोर्सेज हैं तो इसके मोमेंटम में तो चेंज नहीं आएगा ना। सेकेंड लॉ न्यूटन का जो है वो क्या कहता है, F external = dp/dt। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, ठीक है, इट मींस dp/dt = 0, इट मींस p = constant, यानी p initial = p final, करेक्ट है। p initial ऑब्जेक्ट दोनों ही रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे, ए और बी दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा, ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा, ठीक है। ये M1, ये M2, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है V1, इसकी वेलोसिटी है वो हो चुकी है V2, और इस वक्त डिस्टेंस है अज्यूम करो R, और बी की वेलोसिटी कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, V2 की वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में 10^-5 m/s, ये वेलोसिटी है 10^-5 s। अब इनिशियल स्टेज ये है जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था और ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -gm1m2/d। यहां पर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -gm1m2/r। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शुरू में तो इसकी भी जीरो, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनली फर्स्ट बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी = ½ m1v1^2, और इसकी सेकेंड बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ m2v2^2, और मोमेंटम तो इक्वल होगा इनिशियल और फाइनल का मोमेंटम। तो मैं यहां लिखता हूं P initial is equal to P final. इनिशियल दोनों का मोमेंटम जीरो, फाइनली दोनों का मोमेंटम क्या होगा, m1v1+m2v2। तो इट मींस m1v1 = -m2v2। नेगेटिव साइन तो सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से, तो नेगेटिव साइन हटा देते हैं, m1v1 = m2v2, करेक्ट है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 kg वेलोसिटी निकालना है, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 kg वेलोसिटी दिया हुआ है 10^-5। तो v1 की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 × 10^-5 m/s होगी, करेक्ट है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दो दोनों इनिशियल और फाइनल पे, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, gm1 m2/d,
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, करेक्ट है। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है। तो एम वन एम टू की वैल्यू पुट करते हैं, पहले वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपरली, एम वन एम टू अपॉन डी इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू। अब समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो जी की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे, एम वन एम टू की वैल्यू रख देते हैं, टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू इनिशियल वन मीटर है क्वेश्चन में दिया हुआ, और वन पॉइंट टू एम वन की वैल्यू टू वी वन की वैल्यू निकाला ना, टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम टू की वैल्यू फोर के जी इंटू वी टू की वैल्यू टेन टू पावर माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस जी टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू यही आर निकालना है कि किस पॉइंट पे किस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी अनुपात माइनस फाइव हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एट जी, एट जी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टेन प्लस टू इंटू टेन टू पावर माइनस टेन माइनस एट जी बाई आर। इसको नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से इस पर, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये होगा माइनस एट जी इजिकल टू ये हो जाएगा सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस टेन माइनस एट जी बाई आर। देखो सही लिखा है, एक बार चेक कर लो, सही लिखा है ना, माइनस एट जी इजिकल टू फोर और टू सिक्स हो जाएगा, टेन टू पावर माइनस टेन माइनस एट जी बाई आर, ठीक है, करेक्ट है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 8g बाई आर इसे इधर ले जाओ और इसे इधर लाओ, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू टेन टू पावर माइनस टेन और ये हो जाएगा प्लस 8g, 8g से डिवाइड कर दे पूरे इक्वेशन में, 8g से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 8g से डिवाइड कर दें तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 6 इंटू टेन टू पावर माइनस 10 अपॉन 8g ये हो जाएगा प्लस 1, 1 अपॉन r की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 6 इंटू टेन टू पावर माइनस 10। अब g की वैल्यू पुट करते 8 इंटू 6.67 टेन टू पावर माइनस 11 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 बाई 8 इंटू 6.67 प्लस 1 1 बाई r ये 60 बाई 8 इंटू 6.67 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई आर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक करो कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट, देखो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर 60 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6.67 ये कितना आएगा 1.12, चलो 1.12 लिखते हैं, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1.12 प्लस 1 सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 2.12 आएगा। सो 1 बाई आर को उल्टा कर दिया जाए, आर इज इक्वल टू 1 बाई 2.12, ठीक है। तो कैलकुलेटर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर को एक बार फिर से चेक करते हैं क्या होगा, इसको हटाते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2.12 ये आ रहा है 0.47, ये वैल्यू आ रही है 0.47 मीटर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 4.47 ये है आपका करेक्ट आंसर।
आज फेल हुआ भी, लेंदी क्वेश्चन था, ट्रिकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रिकी करते हैं, नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।